वो 24 घंटे में आप 24 घंटे के अंदर आपको वहां पे अपीयर होने को बोलेगा। अगर आप वहां पे अपीयर हो जाते हो, यहां पे नंबर के बेसिस पे इन दोनों लोगों का सिलेक्शन इसमें ले लिया जाएगा और ये चीज कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगी उस कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आज आपसे बात करने आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये जो सवाल जिसका मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ, वो बहुत बच्चों के हमारे दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे हमारे बच्चे इस टाइम डिप्रेस हो चुके हैं कुछ, और कुछ सोच रहे हैं कि वो अपने लाइफ में आगे क्या करें, वो ड्रॉप करें या क्या करें। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। वो बहुत बच्चे के मन में सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है, क्योंकि ज्यादातर जितने लोगों से हम बात करते हैं, कई स्टूडेंट्स हमसे ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ बच्चों, कि आपको अभी हारना नहीं है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में है, आपको अभी हार नहीं माननी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपके नंबर जो हैं वो 400 से 450 या ऊपर 500 तक भी हैं, और आप ये मान के चल चुके हैं क्योंकि कि आपको कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है कि सीट आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको आज कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा कि जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाद में अगर आपको ये बात पता चलेगी टाइम के बाद, तो आपको बहुत पछतावा होगा। तो दोस्तों एक चीज होती है, सबसे पहला काम मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इतने नंबर के रेंज में हैं, अभी भी आपको 10% 20% चांसेस है कि आपको मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। देखिए बच्चों क्या होता है कि जब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, तो आप क्या, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, वैसे ही काउंसलिंग के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा देना है। तो जब आप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कराएंगे बच्चों, तो पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ होती है, मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर कट ऑफ की वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चे कि जब पहला और दूसरी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद मेन काम आपका अब शुरू होता है उन बच्चों के लिए जो अब 400 से 450 इन रेंज में बच्चे हैं हमारे। तो आपको क्या करना है बच्चे कि आपको सबसे पहली काम जो साइट है, जो काउंसलिंग कराने की जो साइट है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, आपको उसके साइट को रेगुलर विजिट करना है। तो जब आप जब फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद कॉलेजों को उसके बाद एक लिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने कौन से कॉलेज की कौन सी कितनी सीट खाली है। तो फिर क्या होता है बच्चे, जब पहली और दूसरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि कॉलेज जो होते हैं वो एक लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कराते हैं, उसको मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है मॉप अप, देखिए अब आप कहेंगे कि कैसे आप क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने हम लोगों ने सारे कॉलेजेस की लिस्ट चेक की, उसका तो किसी का कट ऑफ 550 है, किसी का 540 है, किसी का 600 है, आप बोल रहे हैं 400 450। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि जो ऑल इंडिया कोटे में जो काउंसलिंग का ये जो नंबर होता है ना, कट ऑफ का जो मार्क्स होता है कि इतने नंबर का कॉलेज मिला, वो सेकंड काउंसलिंग तक की होती है। मतलब मॉप अप राउंड की कोई कट ऑफ नहीं निकलती है बच्चे। मॉप अप राउंड क्या होता है, मॉप अप राउंड में आपको 24 घंटे पहले और उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, 24 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन पता चलती है, नोटिफिकेशन जारी होता है कि यहाँ पे मॉप अप राउंड है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको उन 24 घंटों में फीस के पैसे, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए जरूरी होते हैं, अगर आप जय मार्कशीट टीसी जो भी डॉक्यूमेंट है, सब वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैं इसमें बता देता हूँ, मॉप अप राउंड में जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो कोई भी एफिडेविट मान्य नहीं होता है आमतौर पर। वो जैसे अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग कराएंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप वहां पे एफिडेविट देते हैं कि हम इतने दिन में इसको प्रोड्यूस कर देंगे, वो आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देते हैं। लेकिन मॉपअप राउंड में प्रोविजनल एडमिशन का नहीं कोई प्रावधान है, इसमें आपको आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट और आपको तुरंत फीस वहीं पे जमा करनी होगी। तो क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सेकंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज लिया, ठीक है, अब वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की भी काउंसलिंग करवा रहा है, या फिर वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा रहा है। अब क्या होता है, उसने सेकंड
सेकंड राउंड में उसने कॉलेज ले लिया है। अब क्या होता है कि जैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उसको अपने किसी रिस्पेक्टिव स्टेट में या किसी इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। अब वो क्या करता है बच्चा, वो सीट छोड़ देता है। अब वो सीट तो वो छोड़ चुका है और सेकंड काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी है, तो यानी कि अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी जो कि इस सीट को भरे। तो उस सीट को भरने के लिए सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कराते हैं, मॉप अप राउंड इसको हम बोलते हैं बच्चों। ज्यादातर लोग आप इस शब्द से वाकिफ होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको 24 घंटे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको उन 24 घंटे में वहां पे फिजिकली अपीयरेंस अपना दिखाना होगा, आपको फिजिकली वहां पे अपीयर होना होगा। वो कोई ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, आपको वहां पे फिजिकली अपीयर होना ही होना है। तो अगर आप 24 घंटे में वहां फिजिकली अपीयर हुए और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई कि लोग और बाकी नहीं पहुंच पाए, और मान लीजिए अगर आप मैं महाराष्ट्र के या फिर मैं केरला के कर्नाटका के मैं किसी कॉलेज का मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके सामने वहां पे एक कॉलेज है जिसमें दो सीट्स जो है वो खाली हो गई है। अब ये कॉलेज या तो गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर वहां पे दो सीट्स खाली हुई उस वजह से, क्योंकि जो बच्चे काउंसलिंग सीट को अलॉट कराए थे वो काउंसलिंग खत्म होने के बाद उनके रिस्पेक्टिव स्टेट की किसी अच्छे कॉलेज में चले गए या फिर उन्होंने किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, तो वो दोनों सीट के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी। और वो 24 घंटे में आप 24 घंटे के अंदर आपको वहां पे अपीयर होने को बोलेगा। अगर आप वहां पे अपीयर हो जाते हैं, मान लीजिए यहां पे दो बच्चे हमारे अपीयर हुए, मान लीजिए दो बच्चे यहां पे अपीयर हुए, तीन बच्चे मान लीजिए अपीयर हुए, एक के नंबर है 520, एक के नंबर है 440 और एक का नंबर है 360। तो यहां पे बच्चों यहां पे नंबर के बेसिस पे इन दोनों लोगों का सिलेक्शन इसमें ले लिया जाएगा। और ये चीज कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगी उस कॉलेज की, क्योंकि मॉप अप राउंड का जो एडमिशन होता है वो कॉलेज की कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस मौके पे तीन लोग ही यहां पे पहुंच पाए उस कॉलेज में, फिजिकली अपीयर हो पाए और इन तीनों में से इन दोनों के नंबर जो थे वो ज्यादा थे, तो वो दोनों सीट जो है वो इनको अलॉट हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है दोस्तों कि आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे उसको तुरंत तुरंत, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर अभी आप लोगों को लगता है कि आपको सीट नहीं मिलेगी तो बच्चे अभी आप डिसाइड मत करो, अभी आपको कोचिंग वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर आप 440 या 450 मार्क्स तक पहुंचे हैं बच्चे, तो आपने पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई में कमी रही है जरूर, ये मैं बात बोलूंगा, लेकिन आपने पढ़ाई की है तो आपको एक महीना डेढ़ महीना वेट करना चाहिए। क्योंकि ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं बच्चों कि आपको खींचने की कोशिश करेंगे कि पता है आपको नहीं होना है आपका कहीं सिलेक्शन, तो आप क्या करें इनके यहाँ एडमिशन लें। लेकिन इससे क्या होगा कि आप फिर छोड़ देंगे, आप अपनी कोचिंग पे फोकस करेंगे, आप इधर उधर रिसर्च करना छोड़ देंगे कि मैं देखता हूँ किस कॉलेज में कितनी सीट बची है, कहाँ से नोटिफिकेशन आ जा रहा है। आप अपने आसपास जितने आपके शहर के आसपास के कॉलेजेस होंगे वहां आप फिजिकली जाके पता नहीं कर पाएंगे कि भाई यहां पे मॉप अप राउंड कब से शुरू हो रहा है कब से नहीं शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो अगर आप कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं बच्चे तो आप उन सब चीजों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेढ़ महीने लेट, मान लीजिए मैंने माना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप अगर डेढ़ महीने लेट से भी शुरू करेंगे बच्चे, तो आप उन बच्चों से जो भी जस्ट 12 पास किए जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, या वो बच्चे जो क्लास 10th पास किए जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, उनसे अच्छे हालत में है आप। और अगर आप डेढ़ महीने लेट से तैयारी शुरू भी करेंगे अगले साल के नीट के लिए जो 5-6 महीने बाद 7 महीने बाद फिर से होना है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें और आप देखें कि अगर किसी कॉलेज में आपको सीट कम खाली मिलती है और मॉप अप का आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी भाई साहब फ्लाइट हो सके ट्रेन जो भी इजी कन्वीनियंस आपको लगे उससे आप वहां वहां पे अपीयर हो फिजिकली और वहां पे अपनी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग को अटेंड करें। और बच्चों आपको मैं ये चीज बता रहा हूं और आने वाले टाइम पे भी हम ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी एक काम करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे बच्चे तो आपको इन्फॉर्मेशन ये मिस हो जाएगी और कोई आपका नुकसान नहीं होगा अभी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करनी है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है, ताकि लोग जो बच्चे इस रेंज में हैं उनको लगे कि अभी वो इतना हारे नहीं।
नहीं है, अभी भी चांसेस हैं अगर उनका लक ने साथ दिया और कॉलेजेस में सीट खाली हुई। और सीट क्यों खाली होती है मैंने आपको समझा दिया था बच्चे अच्छे तरीके से, कि यही होता है कि काउंसलिंग में बच्चे ने सीट अलॉट कराई थी, अब उसको उससे अच्छा कॉलेज मिल गया तो लास्ट मोमेंट पे सीट छोड़ के चला गया। अब एमबीबीएस की कोई सीट खाली तो जाएगी नहीं, तो उसके लिए वो मॉप अप राउंड कराता है और मॉप अप राउंड की कट ऑफ कोई नहीं होती है, बस आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए यानी कि आपका 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए तो आप उस सीट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात की। और अगर आपसे आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जाननी है, आपको मैं आपको हमारी जो टीम है वो रात में जग के वो पूरा रिसर्च करके हर एक कॉलेज के बारे में पूछ के हर एक कॉलेजों के बारे में जान के हमारी टीम जो है वो कई कॉलेजों में फिजिकली जाके खुद से जाके वहां पे बात कर रही है ऑफिशियल से और पूरा डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कब तक काउंसलिंग है, क्या रिजल्ट कहा है। तो हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और बच्चों अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ट्रेंड करे यूट्यूब पे और लोगों को पता चले कि अभी भी उनके लिए चांसेस हैं। धन्यवाद।